देगा भी ना, मेरे हाथ पे छोटी है तो उसको अभी छोड़ूंगा, उसके बाद एक 10-15 मिनट में निकलूंगा। हाँ तो अभी क्या काम कर रहे हैं? अरे भाई शादी करते को मालूम पड़ेगी रे। आज मैंने सोचा था मैं 6-6:30 बजे उठूँगा, लेकिन मेरी मॉर्निंग हुई है 8:15 को। कल रात को यहाँ पे पूरा फॉग था, हम लोग वो वाले एरिया में घूम रहे थे और अचानक से टेम्परेचर डाउन हुआ है, अभी ठंडी बढ़ी है। अभी भी वो जो पीछे वाला एरिया है, पीछे वाली बिल्डिंग्स क्लियरली दिख नहीं रही है, वहाँ पर फॉग है। अभी ये पता नहीं है ये फॉग है या पोल्यूशन है। प्लान कर रहा हूँ इसे थोड़ा कम करूँ, ट्रिम करूँ, क्लीन शेव नहीं करूँगा, वो मुझे खुद को अभी पसंद नहीं आ रहा है। पहले मैं क्लीन शेव रखता था। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, बालों की कंडीशन पहले से बेहतर हो रही है। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है, मैं बात लेने गया और यहाँ पे अपना लैपटॉप हो गया स्विच ऑफ। रेंडर करने के लिए रखी थी फाइल, अभी कितनी रिकवर होगी क्या पता, मतलब आज भी व्लॉग अपना लेट आएगा। ये और अगर 1 मिनट चार्जिंग रहता तो मेरा पूरा व्लॉग रेंडर हो जाता, तो मुझे फिर से अभी व्लॉग रेंडर करने के लिए रखना पड़ेगा। ये हो गया रेंडर शुरू। हर एक छोटी चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, इस चीज़ से हमें सीखने मिलता है, हमें लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज मेल फीमेल दोनों ईगल दिखाई नहीं दे रहे, सुबह दिखे थे, इंस्टा स्टोरी निकाली उसके बाद से गायब है, अभी तक नहीं दिखाई दिया। हेलो, हाँ बोलना, क्या हुआ? अरे लिफ्ट में था ना, तो बोला कि कौन तू कितने बजे आ रहा है वो बता। देख अभी ना मेरे हाथ पे छोटी है तो उसको अभी छोड़ूंगा, उसके बाद एक 10-15 मिनट में निकलूंगा। हाँ तो अभी क्या काम कर रहा है? अरे भाई शादी करते को मालूम पड़ेगी रे। क्या ले रहा था तू? चूड़िया। चूड़िया, ठीक है भाई, आजा आजा, चल चल आजा। दोस्त ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं इसलिए दिल में शादी के लिए खौफ पैदा होता है। क्या टाइम हुआ, क्या टाइम हुआ वो बता पहले। 2:21 2:21 तू 12 बजे आने वाला था, 12 बजे अभी नहीं है वो घर पे, वो मॉल में गए हैं उन्हें शॉपिंग करने, उन्हें भी चाहिए ना खाना लाना कुछ लाना। नहीं चड्डी नहीं पहनते वो, नहीं पहनते वो, ऐसा हवा में उड़ते उड़ते उनका पॉटी नीचे गिरता है, इसलिए वो चड्डी नहीं पहनते। चड्डी पहनना चाहिए। कलिया पर्सल के ब्लॉग में दिखाया था, इसमें थोड़ा था, अभी 2 ही बचा है। ये तूने कदम कर दिया? मैंने नहीं कदम किया, मैंने रखा था इसमें आधा बोतल था। अभी टाइम हुआ है 3:10, हमारा प्लान था एक जगह पे 1:30 बजे पहुंचने का, ये भाई आया है 2 बजे। मतलब इंसान लेट कितना आएगा, 5 मिनट 10 मिनट समझ सकते हैं, 1.5-2 घंटे इंसान अगर लेट आते तो काम कैसे होंगे। अच्छा तू बता रहा है कितना लेट? मैं लेट होता हूँ, लेकिन मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट होता हूँ, मैं इतना लेट कभी नहीं हुआ। ऐसा बोल मत ऐसा, ये तो अभी कैसा इसको बता रहा है ना, तो कैसा वो नहीं हो सकता है भाई। ये कैमरा के सामने नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा 5-10 मिनट लेट होता हूँ, कभी 1-1.5 घंटा कभी लेट नहीं हुआ। 2 घंटा लेट होता है? 2 घंटा कुछ भी या 2 घंटा कुछ नहीं। आज का प्लान मेरा घर पे रेस्ट करने का था, वो अभी होगा नहीं मेरे से। मतलब घर पे बैठना मतलब एक सज़ा वाला फीलिंग आता है, तो मुझे जो नज़दीक के काम है वो ख़त्म करने हैं, कुछ चीज़ें नहीं लेनी है और एक छोटी सी मीटिंग है वो कंप्लीट करनी है। इसे मैंने बोला था जल्दी आने के लिए, ताकि मैं फटाफट बाहर के जो भी काम है वो इसकी हेल्प लेके कंप्लीट करूँ, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आई है, ये आया ही इतना लेट है कि वो काम ही कैंसिल हुआ। ये सब अपना जो दादर वाला घर है, वो घर छोटा था, तो दादर वाले घर में मैं शूज़ बॉक्स में पैक करके ऊपर रखता था, तो हर बार बाहर जाते समय बॉक्स खोलो, शूज़ चेक करो, उसके बाद पहन के बाहर निकलो, ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। यहाँ पे सामने ही बॉक्स है तो फटाफट चेक करो, जो शूज़ पसंद है पहनो, भागो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती। ऐसे शूज़ है जो आज तक मैंने पहने भी नहीं है, ये शूज़ मैंने लॉकडाउन के बाद जब शॉपिंग की थी तब लिया था। शूज़ नए भी कितने होने चाहिए ये देख, कुछ निकाला नहीं है, यूज़ ही नहीं किया उसे। अभी ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये सोनी का लेंस है 1635, तो अभी आप ही मुझे बताओ क्वालिटी में कितना चेंजेस है। यहाँ पे ही ज़्यादा, यहाँ पे है होटल। जब ये 3-4 दिन पहले मिला था तो हम लोग का एक ट्रैवल प्लान के बारे में डिस्कशन हुआ था, ये बोला था मैं ट्रैवल प्लान अटेंड करूँगा, लेकिन अभी बोल रहा है मैं नहीं आऊँगा।
वो कौन सा वाला ट्रैवल प्लान है बोला था? लेकिन लेकिन छोटा मतलब वन नाइट वाला ट्रैवल प्लान बनेगा तो भी तू नहीं आएगा? थोड़ा सा बिजी रहे काम में इसके लिए। शक्ल उतरी है मुझे लगता है, वाइफ बोली है मत जा। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उसने कुछ बोला नहीं कि जा। चाहिए तो मैं फ़ोन करता हूँ यार। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल पे कर रहा हूँ, बिल पे करते समय भी इसका हाथ बीच में और एक चम्मच खा रहा है, वो सोप का बाउल ही उठा के ले गया। हम जिम में जाते हैं और एक माला चटनी नहीं आती। इसलिए जिम में जाओ मतलब ये क्यों बोला है दिखाने के लिए? अजीब अजीब लोग मिलते हैं। अभी एक लड़का लिफ्ट में मिला था, ये मेरा जो पार्किंग लॉट है ये 6th floor पे है, वो बंदे का पार्किंग लॉट था 1st floor पे, उसने 1st floor पे जाने के लिए लिफ्ट यूज किया। अभी मुझे जहाँ पे जाना है वहाँ पे मुझे जल्दी पहुँचना है, छोटा काम है लेकिन जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कार निकाल रहा हूँ, नज़दीक है इसलिए कार निकाल रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में कार और बाइक चलानी नहीं है, हार्डली 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसलिए ये ड्राइव करने के नखरे। पहले ये गाड़ी का मैंने छोटा सा पैच लिया था जहाँ पे लिखा था मुझे वॉश करो मतलब धुआ, लेकिन अभी तक ओनर ने उसे वॉश नहीं किया। कम से कम 2 महीने से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही ये गाड़ी। क्या चल तेरे काम की चीज़ करते हैं? क्या चाय पिला था तुझे? देखिए ये वाले एरिया में चाय है और ये वाली जो सामने बिल्डिंग है वहाँ पे मेरा छोटा सा काम है, वो मीटिंग की वजह से तू मुझे यहाँ पे ले गया। हाँ तो चाय पिला रहा हूँ ना, तो चाय पी रहा मतलब तू देख, एक तीर में 2 निशान होना जरूरी है, तो मेरा मीटिंग भी हो रहा है तेरा चाय भी हो रहा है, दोनों साथ में नहीं कर सकते थे क्या? तो साथ में ही तो कर रहे हैं दोनों, मतलब थोड़ी ऐसा मतलब बोलने का भाई की भाई की बातें क्यों कर रहे हैं? ओहो चाय विद वन मस्का, थैंक यू मेरे भाई। एक बटर वाला एक जामुन लगे। चल अभी 45 minutes 10 मिनट में आया मैं अविनाश, मैं बाइक भी लाया मालूम है आज 10 मिनट में आया अविनाश, मैं अभी यहाँ से जाएगा 1 लाख के ट्रेन से। 1 लाख में नहीं आती ट्रेन, कौन सी ट्रेन 1 लाख में आती? चल चल थोड़ा अच्छा होगा और कुछ। अरे घर जाके भाभी बोले कितना किधर था, 4 बार तो वीडियो कॉल आ चुका है उसका, तो भाभी को तुझ पे ट्रस्ट नहीं है इसलिए भाभी वीडियो कॉल कर रही है, वो पूछ रहे कि कहाँ पे है करके ऐसा पूछ रहे, तो इसीलिए ना भाभी को जानना है तू है कहाँ पे, उस चीज के लिए नहीं, भाभी को जानना है तो किसके साथ है। वो भाभी भी बोली कि तो आदित्य पहले तेरी बीबी है क्या, ऐसे वाइफ है तुम्हारे ऐसे बोलती है। इसमें देख, इसमें देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, इसमें देख, इसमें इसमें देख, भाग किधर है? इधर 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 आ, इधर आ मैक्स मैक्स। तेरे को मालूम नहीं तकलीफ क्या होता है शादी होने के बाद? देखो शादी करके बहुत ज्यादा तकलीफ ऐसे लग रहा है मेरे को, शादी करके एक्चुअली लाइफ का मजा भी मैं ले रहा हूँ बिकॉज अभी क्या इसका क्या, अभी क्या, पता क्या, चला ना इसको कैमरा चालू हुआ। देखो लाइफ कैसा होता है, हर टाइम में ऊपर नीचे होते रहे हम लोग लास्ट टाइम से देख रहे हैं, लाइफ खत्म नहीं हो रही है भाई की। नहीं देखो क्या है, करियर का जैसा ग्राफ ऊपर नीचे होता है ना, वैसे लाइफ का लाइफ में जब शादी के पहले वाली लाइफ और शादी के बाद वाली लाइफ में मैं क्या सोच रहा हम लोग है ना ऐसा व्लॉग बनाते हैं बिफोर शादी आफ्टर शादी, और तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। देखो शादी वो डिमांड में थोड़ा ना, चलो डिमांड में क्या बोले, बहुत करेगा, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। नहीं नहीं अभी रात में अपना एक फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है, कल हम लोग एक जगह जाने का प्लान कर रहे हैं, छोटा सा ट्रैवल करने का सोच रहे, और ये ट्रैवल अपना कार से ही होगा, बाइक अलाउ नहीं है। मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट करके मुझे कार की परमिशन मिली है, तो मैं कार से ट्रैवल करने का सोच रहा हूँ। तो गाइज आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आता है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर कंटेंट ठीक नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, आपको कुछ हमें बताना है तो आप कमेंट में हमें कमेंट डाल सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।